तो आज हम आपको बताएंगे कि पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे करें। विशेषज्ञ कहते हैं कि पॉली हाउस में खेती के लिए पहले टमाटर की नर्सरी तैयार कर लें। टमाटर की पौधों को सिर्फ खाद और कंपोस्ट में ही उगाएं, मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। नर्सरी में बुआई से पहले उन्नत बीजों का चुनाव करें और बीजोपचार के बाद ही इन्हें नर्सरी में बोएं। याद रखें कि पॉली हाउस में भी मिट्टी में 2 से 3 जुताई करें और इसमें गोबर की पकी हुई खाद मिलाएं। जैसे पॉली हाउस में हम लोग का 2-3 तरह का है। एक हो गया है नेचुरली वेंटिलेटेड, इसमें आपको कुछ लाइटिंग या कुछ फैन पैड कुछ नहीं लगाना है। अपने आप से जो सूर्य रश्मि है, जो हवा है, उसको किसान देखता है, उसके अनुसार उसमें जो कर्टन टाइप होता है उसको पुल करना, ये सब मैनुअली हो जाता है। और दूसरा हो गया फैन एंड पैड सिस्टम है, इसमें आपका जो ह्यूमिडिटी, जो नमी है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फैन जो एग्जॉस्ट फैन टाइप होता है, जो एग्जॉस्ट फैन रहता है और इसका जो हवा जो सर्कुलेशन होता है, एयर फ्लो जो होता है, और कूलिंग पैड एक रहता है, इससे जो हवा आता है ठंडा हवा आता है और अंदर का जो टेम्परेचर भी हम लोग कम कर सकते हैं। ये हमारा जो समर सीजन में बहुत अच्छा काम करता है। और तीसरा हो गया आपका जो हेल स्टॉर्म जो होता है, ओला गिरता है, उसके लिए बस एक हेल स्टॉर्म वाला नेट एक आता है, उसको भी आप लगा के हमारा जो सब्जी को है हम लोग बचा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग टमाटर में संरक्षित खेती के बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। जैसे टमाटर में संरक्षित खेत करना है तो आपको पहले स्टेज 1 क्या करना है, आपको जो किस्म है उसको सेलेक्ट करना है इनडिटर्मिनेट टाइप। माने टमाटर में 2 तरह का है, एक डिटर्मिनेट है जो थोड़ा दिन के बाद उसका ग्रोथ बंद हो जाता है, और इनडिटर्मिनेट में जो होता है ग्रोथ आपको चलता ही रहता है, क्योंकि हम लोग पॉलीहाउस में साल भर हमको टमाटर निकालना है। एक बार हम लोग पौधा रोपाई कर लेंगे उसके बाद हमको 8 महीना हमको इसमें उपज मिलता रहता है। तो इसके लिए हम लोग को इनडिटर्मिनेट जो किस्म मिलता है उसी को चुनना पड़ेगा। ये आपको लगभग 5 से 6 मीटर तक इसका ऊंचाई जाता है, आपको उसको सपोर्ट देना पड़ता है रोलर के साथ, तो तब इसका ग्रोथ अच्छा आता है। टमाटर की संरक्षित खेती में समय समय पर सिंचाई की बहुत जरूरत होती है। ऐसे में किसान चाहे तो ड्रिप सिंचाई की तकनीक अपना सकते हैं, इससे पानी की बचत भी होगी। पॉली हाउस में टमाटर उगाने से खरपतवार यानी अनावश्यक पौधे नहीं उगते, क्योंकि पौध नर्सरी में तैयार की जाती है। हमारा जो ICR प्लांडू जो संस्था है, इससे हम लोग 2 वैरायटी निकाले हैं। एक हाइब्रिड हो गया है स्वर्ण अनमोल करके, ये आपको हाइब्रिड का राउंड में होता है, रेड कलर में है और मीडियम साइज फ्रूट है। और एक हो गया है स्वर्ण कंचन, ये OP है, ये आपको लंबा माने एलोंगेटेड जो बोलते हैं प्रोसेसिंग में यूज करते हैं वो एक हो गया है। तो ये दोनों हमारा संस्था से रिलीज हुआ है, तो ये दोनों को आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्वर्ण अनमोल जो मैंने पहले बताया वो हाइब्रिड है, इसका उपज लगभग 160 से 180 तक आपका प्रति टन प्रति हेक्टर में मिलेगा, क्योंकि हम लोग 8 महीना का क्रॉप ले रहे हैं। इसमें जून जुलाई में इसका सोइंग करना पड़ता है प्रोट्रे में, उसके बाद आपको जुलाई अगस्त में इसका ट्रांसप्लांटिंग रोपाई जो है पॉलीहाउस के अंदर करना पड़ता है। तो हम लोग इसमें हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च तक हम लोग इसमें हार्वेस्टिंग दे सकते हैं। पॉली हाउस ग्रीन हाउस में टमाटर उगाने से 4 गुना ज्यादा तक कमाई कर सकते हैं। ये टमाटर सेहत के लिए तो लाभकारी होते ही हैं, किसानों को बाजार की मांग और कीमत के हिसाब से भी मोटी कमाई करके देते हैं। जैसे इसमें पॉली हाउस में आपको जो मटेरियल यूज करते हैं, हम लोग एक पॉलीथीन शीट यूज करते हैं, इसका जो थिकनेस होता है 200 माइक्रोन, इसका थोड़ा कॉस्ट रहता है। ये आपका 5 तरह का प्रोटेक्शन देता है, जैसे UV रेसिस्टेंट है, वायरस रेसिस्टेंट है, और डस्ट भी रेसिस्टेंट है, और सुपर स्ट्रांग है। तो इसको ही आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये लगभग 2-3 साल तक इसका लाइफ स्पैन रहता है, माने 2-3 साल आप इसमें खेत कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का जो है हम लोग लगभग 560 मीटर स्केल का स्ट्रक्चर बनाए थे, इसमें आपको 20x28 मीटर का जो लंबाई और चौड़ाई है उसका हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। और अंदर का जो बेड भी है, हम लोग 16 मीटर का बेड बनाए हैं, और जो चौड़ाई है बेड का लगभग 1 मीटर या 0.9 मीटर का आपको चौड़ाई रख सकते हैं। और डबल रो में आपको इसको ट्रांसप्लांटिंग रोपाई जो है 2 पौधा जिगजैग मैनर में आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्लांट जो है हमारा पर बेड लगभग 80 प्लांट हम लोग को मिलता है। हम लोग कम एरिया में ज्यादा प्लांट डेंसिटी जो बोलते हैं उसको हम लोग बढ़ाएंगे, तो हमारा उपज भी ज्यादा आएगा।
तो इसके हिसाब से हमारा आउटपुट भी ज़्यादा आएगा और झारखंड गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी देता है, तो किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। तो पॉलीहाउस बनाने के लिए लगभग 70 से 80% सब्सिडी है और मल्च शीट के लिए भी सब्सिडी मिलता है, ड्रिप भी इसमें लगाना पड़ता है, तो इस सब में सब्सिडी है, तो किसान के लिए ये लाभदायक ही है। और हमारा जो उपज है, उपज भी इसमें लगभग 180 से 80 टन तक प्रति हेक्टेयर में इसमें मिलता है।